हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ऋषभ गोस्वामी और मेरी राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं अभी पहुंच चुका हूं तिकोनिया पे। आप देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क और तिकोनिया पे, और ये खड़ी है अपनी धन्नो। चेक दिस आउट। और मैं जा रहा हूं यहां से शीश महल, और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको भी। काफ़ी दिनों की राइड हो रही है, और राइड तो मेरी रोज़ होती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। और 6-7 किलोमीटर मेरी रोज ही होती है, उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं आपको। आज भी बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा मौसम है आज। और सामने चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए राइडर जा रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह। खाली रोड मिली इन्हें, और यहाँ से देख सकते हैं कितने प्यारे यहाँ से पहाड़ आपको जो दिख रहे हैं, और हमें वहीं जाना है शीश महल। और मैंने भी स्टार्ट कर दी राइड अपनी। कैसे हैं आप? और आपको दिख रहा होगा हमारे कंधे में बैग, इसमें क्या है और भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो काफ़ी आनंद आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 समथिंग हो गए, काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, और मैं भी गाने सुनते हुए अपनी फुल इंजॉय में चल रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट स्टॉप पे, तब तक व्यू एंजॉय कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी हल्द्वानी कितनी प्यारी हो रही है, बहुत प्यारी, मतलब शब्द नहीं है, बिल्कुल चमक चुकी है हमारी हल्द्वानी। ये यहाँ पे पार्क हैं सारे, सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आइए, आप इंजॉय करिए। और इधर सारे मॉल हैं, स्काई डैक, कल्याण ज्वेलर्स, और आप चेक कर सकते हैं इधर। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अभी जजी में आपके पास, ठंडी सड़क यहां पे, चाय सुट्टा वार अपना। और ये हमारा विजय विस्पति तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, बारिश के कारण सिकुड़ गया, चेक कर सकते हैं आप। ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह रोड थोड़ा खाली रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। बाकी 6-7 किलोमीटर तो मैं कंटिन्यू रोज चलाता ही हूँ साइकिल, आज थोड़ा मेरी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, उसमें पूरा प्रॉपर सही दिखाता है, तो मैं आपको भी देखो स्क्रीन में फ़ोटो आ रही होगी, उसमें देखना आप कितना किलोमीटर आया राइड करिए। ये देखिए गाइस, चेक कर सकते हैं, ब्रजलाल हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं मैं, और काफ़ी सुंदर यहां पे ब्रजलाल हॉस्पिटल। और ये देखिए काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर बना दिया है यहां पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अंकल जी आ रहे हैं हमारे अंगूर लेके, और अपने हल्द्वानी आज चमक गई है पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे हल्द्वानी क्षेत्र के 2000 करोड़ रुपया जो आया हुआ था वो धीरे धीरे लग रहा है, कई पार्कों में, सड़कों में, हर जगह पेयजल की समस्या हो, किसी भी चीज़ की हो। काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ पे। इधर सबवे पहुँच चुका हूँ मैं, और सामने आपको मॉल दिखा होगा वॉक पे। और मैं जा रहा हूँ शीश महल, और क्यों जा रहा हूँ मैं आपको अभी पहुँच के बताता हूँ। जो मेरे कंधे में बैग है इसमें क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आज 1 अप्रैल का दिन है, शायद ये ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम लगे,
क्योंकि इससे पहले एक ब्लॉग मैंने जो तैयार किया हुआ है वो आज अपलोड हो जाएगा। तो गाइस जिसने ब्लॉग देखा हो ब्लॉग देखे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहुंच चुका हूं मैं वॉक पे, देख सकते हैं आप कार्निवाल सिनेमा। यहाँ का दृश्य बहुत प्यारा लगता है मुझे, वेदर जो है ना अभी सुबह मॉर्निंग में अपना वॉक पे मॉल। ये देखिए गाइस, कुछ टाइम पहले इसको टेढ़ी पुलिया बोला जाता था, अब इसको वॉकवे के नाम से जाना जाता है। हम पहुंच चुके हैं बाजार इंडिया, तो मिलते हैं आप सीधे थोड़ा आगे की ओर, तब तक सिनेमैटिक शॉट का एंजॉय करिए। ये हमारे बड़े भैया जी का है, हरिमोहन अरोड़ा जी का। आप आ सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट है अंदर से। अभी लॉ के अंदर मैं आपको अंदर दिखाता, ये मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी यहाँ पे सुंदर दृश्य है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी अपनी साइकिलिंग से, इसलिए मैं रुक गया था। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर, और सीसमल सामने ही है तो वहाँ पे आपको चल के बताता हूँ कि मैं बैग में क्या है। दोस्तों चेक कर सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से देख सकते हैं ये सीधे पहाड़, बिल्कुल पहाड़ के जस्ट नीचे हम। और यहाँ पर अभी ठंडा हो रहा है, ये सुजुकी जा रही है यहाँ पे सामने, और जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो जगह पीछे निकल गई। यहाँ पे आके वो याद ताज़ा हो जाती है, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उसका, उस वीडियो का। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ सीस में, और ये सामने रहा हमारा जल संस्थान। तो मैंने इसलिए यहाँ पे रुकी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो कैसा हुआ था। जो जल संस्थान में टैंकर जाते हैं तो वहाँ पे सामने वो टैंकर वाला बहुत तेज़ चल रहा था, अचानक से ब्रेक मारे और मैं उसमें ठुक गया। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने पूरी बात उसमें बताई हुई है। और मैं यहाँ पे क्यों आया, मेरे कंधे में बैग क्यों, मैं वो बताता हूँ। मैं सीस में पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ पे रहती है हमारी बुआ जी, बुआ जी ने हमसे लगवाया है दूध। हमारे पास गाय हैं चार पाँच, वो मैंने ब्लॉग में कभी दिखाई कभी दिखाई, आपको पता होगा, जिसको नहीं पता मैं पूरा प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगा अपनी गायों का। तो मैं सीधे यहाँ पर दूध देता हूँ अपनी बुआ जी के, उसका चलते हैं सीधे घर को। और मैं आपको देखें कितना किलोमीटर हमने यहाँ साइकिल चलाई वो भी सब इसमें आ जाएगा, थंबनेल में लगाऊंगा बढ़िया करके। तो चलते हैं अब सीधे बुआ जी के घर, पहुँच चुका हूँ सीस में। सामने देवी जी का मंदिर है, देवी का मंदिर है, काफ़ी सुंदर है यहाँ पर माँ दुर्गा मंदिर, और इससे गली हमारी बुआ जी रहती हैं। तो दूध वगैरह देता हूँ, इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ घर, और मुझे लगे पूरे 20 मिनट वहाँ से यहाँ वापसी आने में। तो आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस ब्लॉग को। यहाँ तक अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो बहुत अच्छी लगी तो कमेंट करना और लाइक करना। बाय।